हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर हेल्थ। मैं हूं मेघा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी शुगर फ्री ड्राई फ्रूट बर्फी की रेसिपी, जिसमें ना चीनी है ना गुड़ है। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और सबसे अच्छी बात ये है कि इस बर्फी को आप फ्रिज में 3 से 4 महीने तक स्टोर भी करके रख सकते हैं और त्योहारों में आराम से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे, उसमें हम डालेंगे घी। तो मैंने यहाँ पे लगभग 1 चम्मच घी यूज़ किया है। घी को गरम कर लेंगे और अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता का इस्तेमाल किया है। अब मैं डालूँगी बादाम और इसमें हम डालेंगे काजू। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपने मन के कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वॉलनट्स या फिर किशमिश, और आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक ड्राई फ्रूट से भी ये रेसिपी को बना सकते हैं। इन ड्राई फ्रूट्स को अब हम हल्का सा क्रंची होने तक भून लेंगे, लगभग 3 से 4 मिनट के लिए। ज़्यादा जलाना नहीं है इसको, बस हल्का सा ब्राउन करना है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब उसी पैन में हम लेंगे खसखस यानी कि पॉपी सीड्स और इसमें हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट यानी नारियल का बुरादा। और इन दोनों चीज़ों को भी हम बिल्कुल लो फ्लेम में हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि नारियल का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों को बिल्कुल लो फ्लेम में सौते करना है, वरना ये जल सकता है। ये भी रेडी है, इसको भी साइड रख लेंगे। अब जो नट्स है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, इसको हम एक मिक्सी में डाल लेंगे और इसको बिल्कुल कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। तो इसको फाइन पाउडर नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा दरदरा सा रखना है। इससे क्या है कि जो रेसिपी हम बना रहे हैं उसमें टेक्सचर भी अच्छा आएगा और नट्स का टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमें इसको पीसना है। ये बिल्कुल फाइन पाउडर हमने नहीं बनाया है, इसको हल्का सा कोर्स रखा है। इसको एक बड़े प्लेट में निकाल लीजिए और मैंने यहाँ पे सारे नट्स को कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। इसमें हम अपने भुने हुए नारियल को भी ऐड कर देंगे। तो हमारा ड्राई मिक्स बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको बाइंडिंग देने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी खजूर यानी कि डेट्स, जिसके बीज मैंने निकाल दिए हैं। तो खजूर मैंने सॉफ्ट वैरायटी के लिए है। अगर आप हार्ड वाले खजूर ले रहे हो तो आपको उसको पानी में लगभग 15 से 20 मिनट के लिए सोख करके रखना होगा, वरना वो आप मिक्सर में पीस नहीं पाएंगे। तो इसको एक मिक्सर में डाल के हमें एक पेस्ट बनाना है। तो खजूर को पीसते हुए ध्यान रखना है कि उसको बिल्कुल भी मोटा नहीं छोड़ना है, बिल्कुल फाइन हमें पीसना है। अगर आपको लगे कि आपका खजूर नहीं पिसा रहा है तो आप इसमें हल्का सा पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लगभग 2 से 3 चम्मच जितना पानी डाल रही हूँ और इसको हम वापस से पीस लेंगे। तो आप इसमें पानी डाल सकते हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि इस खजूर को अभी हम पकाएंगे तो जितना भी पानी हमने डाला है वो सोख कर लेगा और ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम 1 चम्मच घी गरम करेंगे। और अब हम इसमें बनाए हुए अपने खजूर के पेस्ट को डाल देंगे। फ्लेम को इस वक्त बिल्कुल लो टू मीडियम में रखना है और इस खजूर के पेस्ट को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये बिल्कुल एक आटे की तरह नहीं लगने लग जाता। खजूर के पेस्ट को पकाने का 2 रीज़न है, एक तो इसका टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है और दूसरा ये है कि जो बर्फ़ी आज हम बना रहे हैं वो बहुत ही लंबे समय तक टिकता है। तो जितना भी पानी इसमें हमने ऐड किया है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और ये देखिए, कुछ ही मिनटों में ये खजूर जो है अच्छे से डो की तरह लगने लग गया है। इसको हम अपने बनाए हुए ड्राई फ्रूट मिक्सचर में डाल देंगे। तो आज मैंने जो क्वांटिटी दिखाया है, अगर आप इसी क्वांटिटी से बनाएं इसको तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल दिया है और जब खजूर हल्का सा ठंडा हो जाए तब इसको आप अपने हाथों से इस तरीके से एक डो बना लीजिए। तो अगर आप चाहें तो आप इस रेसिपी को कम या ज़्यादा अपने चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे दिए हुए क्वांटिटी से बनाएंगे तो आपका जो बर्फ़ी है बहुत ही अच्छा से सेट होगा और काफ़ी अच्छा बनेगा। तो ये देखिए, हमारा बर्फी का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब हम एक ट्रे लेंगे, उसके ऊपर एक बटर पेपर लगा देंगे जिससे कि बर्फ़ी नीचे से सटेगा नहीं। आप चाहे तो बर्फ़ी के ट्रे को घी से ग्रीस भी कर सकते हैं। और अब हम अपने बनाए हुए बर्फ़ी के मिक्सचर को इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो बर्फ़ी आज हम बना रहे हैं इसको सेट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि जो हमने इसमें खजूर का पेस्ट डाला है उससे ये मिक्सचर को बहुत ही अच्छा बाइंडिंग मिलता है और आपका बर्फ़ी काफ़ी लंबे समय तक स्टोर भी होकर रखता है, क्योंकि इसमें हमने कोई भी दूध या डेयरी प्रोडक्ट या फिर पानी नहीं डाला है।
तो आराम से आप इस बर्फ़ी को 3 से 4 महीने तक भी खा सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना के। तो ये देखिए, हम इस तरीके से बर्फ़ी को अच्छे से सेट कर देंगे और इसको लेवल करके एक स्क्वायर शेप दे देंगे। और इस बर्फ़ी को अब हम 1 से 2 घंटे के लिए इस तरीके से ही जमने देंगे जब तक कि ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। आप चाहे तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। और ये देखिए, करीब 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाल लिया है और ये बहुत ही अच्छे से सेट भी हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ब्लॉक बन चुका है। अब इसको हम अपने मनचाहे शेप्स में काट सकते हैं। तो आज मैं इन बर्फ़ी को स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आप चाहे तो इनको ट्रायंगल या रेक्टेंगल कैसे भी काट सकते हैं। और ये जो शुगर फ्री बर्फ़ी है, इससे बहुत ही अच्छा एनर्जी बूस्ट मिलता है। आप डेली एक बर्फ़ी खा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये डेज़र्ट की तरह काम करता है और बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। तो अगर आप ऐसे और मज़ेदार हेल्दी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये भी हमें बताइए। हमारे फेसबुक को फॉलो कर लीजिए और हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।